यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जॉन विक्लिफ के बारे में। इनका जन्म 1325 में हुआ था। इनका मृत्यु 1384 में हुआ था। इनका शहर था यॉर्कशायर, इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार इंग्लैंड में किया था। जॉन विक्लिफ का जन्म यॉर्कशायर में हुआ था और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की। विद्यार्थी जीवन विक्लिफ के लिए बेहद कठिन था। अल्पबत्ती के बावजूद उन्होंने सन 1369 में अपनी धर्मशास्त्र स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सन 1372 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे ऑक्सफोर्ड के प्रमुख दार्शनिक और धर्मशास्त्री में से एक बन गए। सन 1374 में उन्हें लॉटरवर्थ में सेंट मेरी चर्च के अधिशिक्षक की रूप में नियुक्त किया गया। विक्लिफ इंग्लैंड के चर्च में सुधार के संबंध में शुरुआती पुनस्थानवादियों में से एक थे। उन्होंने चर्च में पाई जाने वाली गलत मान्यताओं और प्रथाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस समय में कलीसिया ने पाप किया है और शक्ति और धन की सांसारिक चिंताओं से भ्रष्ट हो गया है। उनका युद्ध चर्च के खिलाफ नहीं था, बल्कि इसमें पाई गई गलत विचारधाराओं के खिलाफ था। हालांकि उनके सुधारवादी सेवकाई को पोप ने फटकार लगाई और उन्हें अतः घर में नजरबंद कर दिया गया। धमकियों से अप्रभावित उन्होंने सन 1374 में तक ऑक्सफोर्ड में बाइबल सिद्धांत पढ़ना जारी रखा, जब तक कि उन्हें उस विश्वविद्यालय से निकाल नहीं दिया गया। विक्लिफ ने दृढ़ता से कहा कि बाइबल ईसाई सिद्धांत का एकमात्र स्तोत्र है और कोई भी सांसारिक अधिकार शास्त्र की सार को नहीं बदल सकता है। उनका यह भी मानना था कि प्रत्येक ईसाई के पास एक बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि उस समय बाइबल के केवल लैटिन अनुवाद उपलब्ध थे। विक्लिफ ने अपने सहयोगियों जॉन पूर्वे और हियरफोर्ड के निकोलस के साथ बाइबल का पहला अंग्रेजी अनुवाद पूरा किया। हालांकि उनके अनुयायियों को लोलाज के रूप में अपमानजनक उपनाम दिया गया था, लेकिन उन्होंने चर्च को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1381 में अपनी मृत्यु तक विक्लिफ ने सुधारवादी लेखन जारी रखा, जिसके आधार पर चर्च के प्रोटेस्टेंट सुधार की नींव पड़ी। मरणोपरांत कैथोलिक चर्च ने उन्हें एक विधर्मी घोषित किया और उनके लेखन पर द्वारा संबंध प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु विक्लिफ की शिक्षाएं फैलती रही, इसलिए उनकी मृत्यु के 43 साल बाद सार्वजनिक रूप से उन्हें खंडित करने के लिए कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने उनकी शरीर को खोदा, उसे जला दिया और उनकी राख को स्विफ्ट नदी में फेंक दिया। उन्होंने उन्हें नष्ट करने के लिए जो भी किया, लेकिन अब तक 7 शताब्दियों बीत चुके हैं और उनकी शिक्षाएं अभी भी कई लोगों के जीवन में सुधार ला रही हैं। प्रिय, सही सिद्धांत के प्रति लोगों का मार्गदर्शन करने में आपका क्या प्रयास है? प्रभु, मुझे बाइबल की सच्चाइयों को व्यक्तिगत रूप से अपनाने और लोगों को सही सिद्धांत के में मार्गदर्शन करने में मदद करें।